हाँ हेलो। हाँ भाई बेटा, शेरू अंकल। हाँ हम अभी मुंबई बेकरी के सामने खड़ल बानी। हे ऐसा कौनो बात नहीं की, हमके यहाँ कौनो काम की खातिर आवे के पड़ल और हम सोचनी कि तोहरा से भी मिल ले। हाँ ठीक बा बेटवा, ओके। हेलो अंकल। अरे तू तो बहुत जल्दी आ गईला। हम यहीं पर रहिला अंकल। यहीं जा कहाँ? यही जा बिल्डिंग के लॉज में। अच्छा, पिछली बार जब तुसे तो मिलल रहलिन तो ऐसा ना रहला, ई बार तो एकदम चेंज हो गई बाड़ा। चला चल के चाय पी। तुहार पढ़ाई बंद हो गई, जब हमका पता चला तो मन दुखी हो गई। इकबाल भाई तोहरा के अच्छी तरह पढ़ावल चाहत रहले। जौन पढ़ाई पिताजी कहले रहे वही हम करतानी। वो हमेशा दूसरन के भला चाहत रहले और बहुत ही खुददार आदमी रहलन। हमेशा वक्त के कदर करत रहली। तू भी उन्हीं की तरह बना और जिंदगी में आगे बढ़ा। उम्र से पहले तक दूसर के मदद करत रहले। सच तो यह है कि हम तोहरा से मिले खातिर यही आइल बानी। फोन पे बात करब अच्छा ना लागत, यही खातिर हम हियाँ बैंक की बात करे खातिर आइल बानी, लोन खातिर। बैंक से आयल नोटिस में कोनो प्रॉब्लम नहीं की अंकल बोले रहे, ये बात हमके मम्मी फोन पे बताए रहे। काहे कोनो प्रॉब्लम बा का अंकल? प्रॉब्लम के कोनो बात नहीं के, तोहरे मम्मी को चिंता ना हो, एलियम झूठ बोल रहे राली। काहे से कि मम्मी हर बात पे घबरा जाली। अजमल, हम कल बैंक गएल रहले, वहाँ काम करे वाला एक आदमी हमके बुलावले राली। वो कहले कि मुद्दल और ब्याज दोनों दे के पड़ी, कोनो रास्ता हम निकालब, चिंता ना करा। कैसन रास्ता? घर का बेच के लोन चुका देव। तरहल कहाँ जाई? बैंक के लोन चुका देवे के बाद ओमे से जौन पैसा बचे ओमे से एक छोटा घर खरीद ले। अरे तू रोव जिन बेटा, हमके मालूम बा वो घर के अहमियत। वो घर के खून पसीना एक कह के तुहार पिताजी बनौले रहली। ये बात तुहार पिताजी बतौले रहली। वो तो ये बात भी बोलले रहली कि गल्फ में रह के कितनी मेहनत से घर बनौले रहली। अरे तू काहे को रोता बेटा? रोबा जी सब कुछ ठीक हो जाए बेटवा, तू चाय पिए। कल हम मैनेजर से मिलके बात करब। हम पहले भी एक दो बार मैनेजर से मिलल बानी, लेकिन सिर्फ हमारे मिलने से कौनो फायदा नहीं खे। ये बात तू कहले रहली जकरा से हम बैंक में मिलल रहली। सर रुका, हम देता नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक बा बेटवा, हम चला तानी। ऑटो रिक्शा को रेलवे स्टेशन पे पार करके आइल बानी। बेटवा तू चलबा? अब है ना, दो दिन के बाद हम आए अंकल। अच्छा अच्छा ठीक बा, हम चला तानी। अच्छा तू रात में वापस ना आई बना? हाँ भाई हम ना आई। अरे तोहरे खातिर तो आज हम छुट्टी ले ले बानी, नहीं तो हम आजे घरे जाके आजे वापस आ जाई। अरे तू घरे आराम करके वापस आ जाइए। अरे हमके तोहरा से बहुत डर लगा था भाई, लेकिन हम दोनों के बगैर वो दोनों पागल प्रोग्राम कैसे कर पाई हैं हमका बतावा। अरे हमार तो बैंक का प्रॉब्लम बा दोस्त, हमके तो जाए के पड़ी ना। अरे यार फोन आवा था, बाइक साइड में लगावा। अरे भाई के फोन बा। हाँ हाँ भाई आवत है, बस 5 मिनट। हाँ हाँ भाई वेट कर रहा था। तोड़ू पुलवा में तू केकरा के गोल देवे जात बाड़ा? अरे हम तो के बोले रहे नहीं ना कि हमार भाई के सेटअप कश्मीर में अभी बा। तो भूल गई लगा? नहीं नहीं याद बा। वो का है ना, भाई की पहचान वाले की लड़की की शादी अगले हफ्ते बा। तो भाई आपन तरफ से 25 तोला सोना सामान में देत बाड़े, बुझला कि और बुझाई? हाँ ओके। ये है अपन भाई। तो फिर भाई के जाए के चाहिए ना, तू काहे जात बाड़ा? अरे तू अब ना समझ बा भाई, ये तो ट्रेनिंग के छोटा मोटा पार्ट बा हमार दोस्त। अरे सुना, तू हमके यहाँ छोड़ दो, हम यहाँ से चल जाए।
अरे हम हुए रास्ते से जात बानी, हम तोरा के घर पे छोड़ दे। हाँ ठीक बा। हम भाई के कह देनी कि हमार दोस्त भी हमारे संगे आवत बाड़ा। अजमल हाँ तू यही जरूर का। हाँ अजमल बाहर आइल बाड़ा, ओकरा से बात कहिला। अकेले बाका। हाँ। चलो तू ओकरा के अपना यहाँ के सब काम समझा दे लेना। हाँ 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 भाई। किने बाबू? इहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमल है ना तू? हाँ जी। बैठना। हाँ हाँ। घरे ना आई बा? इंशाल्लाह दूसरा बार जरूर आए हम। तू यहाँ तक आ गई ला तो माई से भी भेंट करके चल जा। माँ ये हमार दोस्त फैजल। हेलो अजमल। ये हमार साथ हम चली। आवा अंदर आवा बेटा। नहीं आंटी भाई वेट करत बड़े। अरे अंदर चला। अरे नहीं दोस्त हम अगली बार आए। महा मेकरा के छोड़ के आवत बा। चल अजमल हम काल मिलब। हाँ सोना रात में ड्यूटी बा बोला जिन। ठीक बा हमार दोस्त। ओके बाय सर। अगर एक महीना के अंदर पैसा वापस ना कर सकी तो बैंक वालन कहत रहे कि वो घर के जब्त कर लिए। माँ दुखी ना होके चाहिए, ये बात चेरू अंकल हमसे कहले रहे। अभी हमने के कहा करे के पड़ी बेटा? माँ तो बिल्कुल चिंता ना करा, जब तक हमार जान बा तब तक घर की जब्ती ना हुई। का करे भाई जान? कुछ करके हम सबसे पहले ये कर्ज चुकाए। पैसा जुगाड़े के चक्कर में तू कहीं गलत रास्ते में मत चल जाइयो। ऊपर वाला जरूर कुछ ना कुछ करी है। अरे तू तो खत्म कर दे ले यार। अरे कुछ ना भाई यार, छह पफ लेवे के बाद भी नशा ना चढ़ा। अरे तुम्हारे गोल्ड का काम खत्म हो गए का? अरे तू एकरा से पूछ, एक ही बार में खत्म कर दे ले। ये अजमल तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस के लिया। अरे बैंक लोन एक हफ्ते में भर दे तो घर का जब्ती ना हुई, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो बैंक का पैसा भरे खाते तो बाबू जी है का? ए तू हमारे बाप पे मत जा। बाप का नाम लेबा तो उछलबा का? रिसेप्शन के बाहर और अनमोल के रूम में तू नहीं। तू हमके पागल कहले रहले, ई हम सुन ले रहले, फिर भी हम ये सब इग्नोर कर दे ले। तो ऐसा नहीं रहा चल। अरे नशे की वजह से तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया बा। वो सुअर के बच्चे को उठा ले जाए तो अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गए। बैठ गए तुम्हारे दिमाग में। हाँ
कमल। तू वो आदमी के नाम का बतावले रेले केकर? वो है जोन तुहार पापा के पैसा लेके धोखा देलस, भूखा पकड़ल जायता। ये ना हो सकेला यार। काहे ना होइबे? वो आदमी ओहे दिन गांव छोड़कर चल गई। ओकर घर वाले भी नहीं खे जाना थी, वो कहाँ बाढ़। घर वाले ना जाना थे जिन का है यार, वो घर का मेंबर बा यार। तो भाई से बात करा बस, अगर वो पाकिस्तान में भी छुपल हुई ना तो ओकर हाथ पर तोड़ करके हमारे सामने ले आए। जोन होखा वाला बात हो के वो बोल फैजल। अरे भाई, सब लोग मिलके यही सोचा कि एकर घर जब्ती होकर से कैसे बची। हाँ, वो तोहार घर में भी प्रॉब्लम भइल रही, तब भाई ही हेल्प कइले रहले ना। अरे वो हमरे घर के प्रॉब्लम ना रहल, हमके बाइक लेवे के रहा ना, 50,000 दिए रहे। ता भाई से मिले के ही पड़ी, का कहो था तू? सही है भाई, जाके मिला ना तो एकर दुखी सकल देखे पड़ी हमनी के। सुना फैजल, तोहार बात बिल्कुल ठीक बा, लेकिन ये सलाला भाई सच में काम कर सकेला का? हाँ यार, वेलेनी करल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो वहाँ कभो काम करत रहले, लेकिन भाई के वहाँ का काम बिल्कुल पसंद नहीं किया है और लंबी छुट्टी लेके बिजनेस शुरू कर दे ले। कौन बिजनेस? जैसे तुम्हार कंजूस बाप का मछली का बिजनेस बा, वैसन बिजनेस। तू हमारे बाप के बारे में बोले शुरू कर देला, अब तक खुश बाड़ा ना। रे सुन, वो गिटार दे तनी। हीला, बढ़िया वाला गाना गाओ भैया, चला गावा जल्दी। दिल के कलम से लिखा तानी, हमके तो से प्यार बा, हाँ कहबू कि ना कहबू, तोहरे इंतजार बा। जब्ती होके से तो हम रोक दे, लेकिन वो तोहरा जैसा डरपोक तो ना है ना, ना वो दिन जैसे काम बदले रहनी और तू वो दिन पैंट पे पेशाब कर देले रहा। ना भाई, काम हो जाई, लेकिन इंतजार करे के पड़ी, वो हम कर दे। जब्ती रोके खातिर 6,00,000 रुपया काफी बा। हम तो उसे कहले रहनी कि तो के 10,00,000 रुपया मिली। छह लाख ओकरा का दे भी देते तो 4,00,000 रुपया तोरा पॉकेट में आयत ना, तो हमके बहुत अच्छा लगे थे और हमरा के एगो हसीना के खुशबू सूंघे के मिल जाये थे भाई। वो तो हर बात मान ले रस का, ओके 6,00,000 रुपया मिली। हाँ भाई, ओकरे घर में जब्ती का नोटिस आ गई बा, यही खातिर ओकरा के पैसा दे के अपने भरोसे में लैला। और भाई, वो काम खातिर हमके थोड़ा बहुत टाइम और चाहिए। भाई रहुआ टेंशन ना ली, हम ओकरा के मुफ्त में पैसा दे तानी तो हम पागल थोड़ी ना बानी। भाई वो रिस्क लेवे खातिर तैयार है, यही खातिर हम ओकरा के साथ लेके आई बानी। बैठा बैठा, घर जब्ती होके वाला पका। हाँ, ये बैंक के सब कायदा कानून नियम ना सब पैसे वालों के लिए ही होला। अजमल भी ये सोचेला का? पैसा कब चाहिए तो के? जब भी चाहिए तू हमके बोल दी है। छोड़ यार, तू अभी ये पैसा ले जो। सादिक। हाँ भाई। अरे वो पैसा ले क्या? वो जो 3,00,000 रुपया बा ना, हाँ, वो ये बच्चा के दे दो। अरे एकरे के देवे के बा? हाँ। ये 3,00,000 रुपया ले जाकर बैंक में जमा कर दे, जब्ती के नोटिस तो हर रुक जाई।
बाकी के हम बाद में बताओ तनी। चिंता मत कर तू, जैसन कहले बनी वैसे काम सावधानी से कर रहा हूँ। अरे तो अब तक स्कूल ना गई लू? हम स्कूल जाई थी तो रउआ हमसे मिले भी ना चल जाई थी, यही खातिर हम ना गई। इला 3 लाख रुपया, अभी घर में जल्दी केहू घुसे के हिम्मत ना करी।